नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ रोहन सोनकर। खबर बलिया जनपद के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव के वार्ड संख्या 4 मालवीय नगर स्थित निधि इंटरप्राइजेस की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने के कारण तकरीबन 4 लाख की लागत की कीमत सामान जलकर खाक हो गया। वहीं हम आपको बता दें कि मीडिया से रूबरू होते हुए पीड़ित चंदन सिंह ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। बलिया से संजय राय, सीधे सीधे मैं आपको ले चलता हूँ बलिया जनपद के चितवड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत चितवड़ा गांव के वार्ड संख्या 4 मालवीय नगर स्थित निधि इंटरप्राइजेज दुकान में तकरीबन लाखों की क्षति हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लग चुकी है। आइए हम नज़ारा दिखाते हैं किस प्रकार से आग लगी है, कैसे लगी है और क्या क्या क्षति हुई है। हम दुकानदार भाई से बात भी करेंगे, देखते हैं क्या बताते हैं और किस प्रकार से आग लगी, ये कैसे परेशान हैं, इनको क्या करना चाहिए। जी, एक आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम चंदन सिंह है, मैं इंटरप्राइजेस का प्रोपराइटर हूँ। क्या घटना घटी है? घटना ये शॉर्ट सर्किट के माध्यम से ही आग लगा है। कब लगा है? शनिवार को रात। कैसे लगा? शॉर्ट सर्किट। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये अबाउट जितना भी सामान था यहाँ पे, पहले का भी हमारे पास डिटेल्स है, सब सारा सामान जल के रख दिया। अभी तो हमने थोड़ा बहुत इसमें चूना लगवाया है आज। इसके लिए आप कहाँ कहाँ तक गए हैं? इसके लिए हम थाने तक, थाने में भी संपर्क किए, लेखपाल से भी संपर्क किए, नायब तहसीलदार को भी फोन किए, लेकिन तो कोई रिप्लाई नहीं किया। कोई आश्वासन आपको मिला या नहीं? आश्वासन लेखपाल महोदय ने बोला था कि अपना व्हाट्सअप पर अपना आधार कार्ड और पासबुक भेजिए। मैंने उसको भेज दिया, लेकिन तो कोई लेखपाल ने क्या आपको आश्वासन दिया? लेखपाल ने आश्वासन नहीं दिया कि आप आधार कार्ड भेज दीजिए, जो होगा उचित कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने आकर यहाँ पे मौके पर कोई इंक्वायरी नहीं की। अभी तक आए लेखपाल मौके पर नहीं आए? नहीं, लेखपाल अभी तक मौके पर नहीं। आगे आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उचित कार्रवाई हो और बाकी जो होनी था वो तो हो गया। आगे क्या चाहते हैं? आगे हम चाहते हैं जो उचित कार्रवाई हो शासन से वो किया जाए। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट।